गोविंद गुरु संत सुरमाल महाराज के हमारा लसुड़िया धाम है, लेकिन गुजरात के किसी भी किताब में किसी भी स्कूल में संत सुरमाल महाराज का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? लसुड़िया धाम गुजरात में है लेकिन गुजरात की किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब किताब में नहीं होगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा? अरे हो की दुपण युवा सम्मेलन की दु, युवाओं को सही रास्ते पे लाते हम करीने और हेतन में मीटिंग कराड़ी जुटी जुटी फाची हेतन हरोपा जुकाई डुप्लीकेट संडीगढ़ वालों और वाटे आपते पड़जा भी आ रहा मालाखोड़ा में सोहा जन पोक भांगी गया एक बेजा जाता भी नहीं जाए कहीं बापड़ा। युवा सम्मेलन किया, सबको दारू पिलाया और दारू पिला के वहां से निकले और मालाखोड़ा में इको पलटी मार गई, वो सबके हाथ पैर टूट गए। एक बार के भक्ति सम्मेलन करा, हमारी भक्ति को खत्म कर रहे हो और दूसरी तरह भक्त को बुला रहे इस... इन लोगों ने हमारी भक्ति परंपरा पे, हमारे देवी देवताओं पे कब्जा करके कलम चढ़ाने का काम किया। वैसे था जो सोनार माता दामा परिवार ने कुल देवी है, सोनार माता दामा परिवार ने कुल देवी है। बीजेपी वालों ने जाके आरएसएस वालों ने भगवा झंडा लहरा दिया और वहां पर ओरिजिनल जो दामा परिवार को कुल देवी ने दजाती नेजो नेजो माता जी अपना हो सड़े नेजो सड़ेगे। हमारे संत सुरमाल महाराज की भक्ति में, गोविंद गुरु महाराज की भक्ति में नेजो दजानो महत्व है, धाम धुनी थानक नो महत्व है। मां झंडा चढ़ा दिया, दामा परिवार ने विरोध किया, हमारे भक्तों के जो बीएपी वाले बीटीपी वाले झंडो उतार दी दो, झंडो उतार दी दो और हमारे हत्ता भगत ले गया कलेक्टर मोरे नारो लगाड़े हो कहीं हमारे झंडे का अपमान किया। यार भक्ति में झंडा नो महत्व नहीं है, भक्ति में तो निजो और दजा नो महत्व है, लेसणी नो महत्व है। आज विरोध किस बात का है? संत सुरमाल महाराज की भक्ति परंपरा उस पे कलम चढ़ाया जा रहा है, उसका विरोध करते हैं। आपने कहा कि संत सुरमाल महाराज तो रूपी कहता आबो और बीजेपी वाला आबा ने कापी ने सीरी ने कलम चढ़ावी गाढ़ा बोल जानी की चढ़ावी गाढ़ा बोल जानी तो 20-25 साल बाद हो मोटो थाएगा, अबो मोटो थाएगा, गाड़ू बोलजू मोटो थाएगा, गाड़ू बोलजू कलम सड़ा में अपने आबा नहीं, हमारे गुरु तो रूपी के था आबो और यह गाड़ा बोल जानी कलम सड़ा में ने पौटो लिपटा में पानी आप थे कि स्कूलाड़े पास और ये मुड़ा किरा निकलेंगे गाड़ा बोल जाना निकलेंगे कहते हैं मोटो हो थाएगा गाड़ो बोल जो 20 साल बाद सोरंग खबर पड़ेगा या आबो तो हो कहेंगा आज गाड़ो बोल जो उसते हैं गाड़ो बोल जाए मोटा थाएगा तो हो लगेगा केरी लगेगा खड़े लगेगा फेड़े लगेगा 20-25 साल बाद सौरभ भूल जाएगा इन्हें आबो तो वही कंडीशन संत सुरमाल महाराज गोविंद गुरु महाराज हमारी जो भक्ति परंपरा है बीजेपी वाले उस पर कलम चढ़ाने का काम करते हैं उस कलम का विरोध किया मैंने। क्योंकि आज तो ठीक है लेकिन आने वाले 25-30 साल बाद संत सुरमाल महाराज की ओरिजिनल भक्ति क्या थी वो भूल जाएंगे। मैंने दिल्ली के अंदर बोला, दिल्ली के सदन में पहली बार संसद में मैंने बोला है कि संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज की भक्ति के ओरिजिनल किताबों में इसको उल्लेख किया जाए, किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाए। बीजेपी वाला के गुजरात में हमारी सरकार है 20 साल था ये गोविंद गुरु संत सुरमाल महाराज के हमारा लसुड़िया धाम है लेकिन गुजरात के किसी भी किताब में किसी भी स्कूल में संत सुरमाल महाराज का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? संत सुरमाल महाराज का इतिहास स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है जिन्हें कोई लेवो देवोस नहीं है, हजारों साल पुरानी काल्पनिक बात एक किताब में भरावे लेकिन संत सुरमाल महाराज की इतिहास किताब में नहीं पढ़ा रहे हैं। गुजरात में लसुड़िया धाम गुजरात में है लेकिन गुजरात की किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब किताब में नहीं होगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा नहीं चलेगा ना पता, अब किताब में दूसरा पढ़ रही है। तो हमने उस बात का विरोध किया, मैंने दिल्ली में बोला है कि पूरे देश के अंदर एनसीईआरटी में डाला जाए संत सुरमाल महाराज गोविंद गुरु महाराज का पूरा इतिहास पढ़ाया जाए ताकि हमारे आने वाले हजारों साल तक की पीढ़ियां पढ़ती रहेगी और हमारे संत सुरमाल महाराज का इतिहास उनकी भक्ति जिंदा रहेगी। ये लड़ाई लड़ रहे हम और यह हो कहीं विरोध करें, विरोध अड़ी बात ना है हमारे धूले वो धूले बापसी डोहा डोहा जाने धूले बापसी हो तो नवसुरंग खबर है एक बार हो गए ऋषभ देव मटी क्यों अपने वाला माया नहीं फेवा दीते सामाजी अपने तो ले ली तू बेड़को अपने आदिवासी महाकुंभ है बार कहीं
कब्जो कर लियो तो अपने जैन फूल पदरावी नदी होड़े जिली ने बाटी ही किन खाने पास आवटलो से के 132 बीघा जमीन मन अपने बेड़ का नाम थे की अना अलावा बीजी मतलब 300 बीघा जगह है लेकिन अपने आदिवासी बल्ले ना नकरो भवन बनाव जो इना भी पुलिस वाला मेहो लागे कब्जो कर दी एक सिंगल भवन नहीं है बेणेश्वर में उस बात की लड़ाई लड़ रहे अपन लेकिन यह हो के उनको पता है राजकुमार कर रहा है या भारत आदिवासी पार्टी सही कर रही है लेकिन हमारे महाराजों को हमारे लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। हमारा एक ही विरोध है कि हम आने वाले 100 साल तक हमारे संत सुरमाल महाराज का ओरिजिनल इतिहास जिंदा रखना चाहते हैं। जिस तरह धुलेव को ले लिया धुलेव खत्म कर दिया ऐसे हम लसुड़िया को मानगढ़ को बासिया को खत्म नहीं होने देंगे। ये लड़ाई है आज बाबड़ भक्तन भिगा करी करी लई जी काल किसान सम्मेलन की दू कई सम्मेलन की दू किसान सम्मेलन बीजेपी वाली किसानों के खिलाफ बिल लाए कानून लाए हजारों किसान मार डाले। बेदाड़े पहले महेंद्र बरजोड़ ने गैर होगी दू युवा सम्मेलन हो कहीं युवा भटकी गया है पहला पैसे में भटकी गया हो कोई दिक्कत नहीं बीएपी वाले भटकाने चैन पे चलो मानी गया मैं आने हो की दुपन युवा सम्मेलन की दू युवाओं को सही रास्ते पे लाते हम करीने और हेतन में मीटिंग कराड़ी झूठी झूठी फाकची हेतन हरोपा जू कई डुप्लीकेट संडीगढ़ वालों और वाटे आपते पड़ जा भी आ रहा मालाखोड़ा में सोहा जन पोक भांगी गया एक बेस जाता भी नहीं जैम के बापड़ा युवा सम्मेलन किया सबको दारू पिलाया और दारू पिला के वहां से निकले और मालाखोड़ा में इको पलटी मार गई वो सबके हाथ पैर टूट गए। एक बार के भक्ति सम्मेलन करा हमारी भक्ति को खत्म कर रहे हो और दूसरी तरफ भक्त को बुला रहे। इसलिए ये लड़ाई हेडपंप की नहीं है ये लड़ाई छोटे मोटे काम की नहीं है ये लड़ाई हेडपंप बोर रोड तो करेंगे अपन। आज रोड की बात आ रही है 24 करोड़ का बजट घोषणा की थी बजट घोषणा में मैंने करवाया था हो के जोड़ी समझो तो कर लियो हमें 24 करोड़ हो 50 करोड़ ना रोड डाल देगा समझो तो हूं कि 84 तमिल लड़ाना सलूंगा हमें लड़न के ताइया हमने ना के दिया मैंने कहा 24 करोड़ नहीं मिलेंगे चलेगा आने वाले समय में हमारे विधायक जाएंगे 50 करोड़ का भी रोड लाएंगे एक पांच साल या एक महीना बे महीना लेट था राइस थाएगा। आपको ध्यान होगा बीजेपी के नेता मदन प्रजापत जी हमारे मदन ये राधा मोहन आज आए थे क्या बोले उदयपुर में राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है एक वीडियो अब जो तो बहुत अच्छा आदमी है पसे खेजू समझो तो करो हमें ना खींचू तो बस वो बहुत खराब है उनके। महेंद्र मालवीय कांग्रेस नेता तो एक महीना पहले लेटर लगी कि ये करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है हो लगे करोड़ों का भ्रष्टाचार किया मालवीय जी बीजेपी में जाता जब बीजेपी स्टेटमेंट डाले मालवीय जी बहुत बड़े नेता है क्या देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। नारी सम्मान महिला सम्मान की बात करते हैं मणिपुर में हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटियों को निवृस्त करके कपड़े उतार के उन लोगों ने घुमाया और आज कह रहे नारी सम्मान समारोह रख रहे हैं ये लोग। इसलिए कामकाज की चिंता मत करना पहले वालों